त्रिजटा को लंका में स्वप्न आ सकता है, विभीषण की बेटी त्रिजटा। स्वप्ने वानर लंका जारी, सुंदरकांड की चौपाई है। उसको पहले से स्वप्न आया कि एक वानर आया है, लंका में आग लगा दी है, राक्षसों को मार दिया है, विभीषण लंका के राजा बने, ये उसने स्वप्न देखा। तो क्या ये सच नहीं हुआ? लंका नहीं जलाई हनुमान जी ने, राक्षसों को नहीं मारा? जिसका हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, उसको ऐसे संकेत स्वप्ने में भी मिल जाया करते। भक्ति प्रगाढ़ होती है ना, हृदय शुद्ध हो जाता है तो स्वप्ने भी ऐसे आते हैं, और हृदय अशुद्ध हो तो स्वप्ने भी एक्टर और एक्ट्रेसों के आते हैं, और स्वप्न दोष और प्रदर रोग की बीमारी लगी रहती है पीछे, और हृदय शुद्धि होती है तो वो बीमारी फिर भाग जाती। इसलिए हृदय की शुद्धि जो सत्संग से होती है, ऐसे सत्संग में आप सब दूर दूर से चलकर आकर बैठे हैं। मैं तो आप सभी को, जो दूर दूर तक बैठे हैं, बहुत दूर तक बैठे हैं, पीछे तक, उन सभी को दो हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। संत तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके दिल में भक्ति है उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो आपके दिल में भी भक्ति है, तभी आप बाहर से गर्मी सहन करके भी इतनी शांति और एकाग्रता के साथ यहाँ बैठे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अमृत से भी अधिक प्रिय सुखमय भक्ति को छोड़कर विषम विषय रूप भोगों का सुख पाना चाहेगा। भोगों का सुख जहर से भी ज्यादा खतरनाक है, कौन चाहेगा भक्ति के सुख को छोड़कर? जैसे पतंगा, पंख वाला जीव, दीपक की ज्योति को मनोहर मानकर उसमें जल मरता है। नहीं, आपने कभी देखा होगा, दिया जलाते हैं तो पंख वाला जीव पतंगा आ जाता है और जल मरता है। उसको लगता है कि ये कोई सुंदर रूप है, कभी इंसान बना था, किसी के रूप के प्रति आकर्षित हो गया था, और अब मरकर पतंगा बना तो जलते हुए दिए को रूप समझकर वहां मजा लेने को जाता है, पर बेचारे को सजा मिल जाती, मजा है ही नहीं। तो जैसे पतंगे की दृष्टि में दीपक की ज्योति मनोहर मालूम होती है, कांटे में पिरोया हुआ अनाज का टुकड़ा मछली को सुखप्रद जान पड़ता है, ऐसे ही भोग का सुख अज्ञानी को सुखप्रद मालूम होता है, साधक को नहीं। साधक को भोग में सुख न दिखकर भक्ति में सुख दिखता है। चार प्रकार के लोग होते हैं, एक तो पामर, दूसरे विषयी, तीसरे साधक और चौथे मुमुक्षु। पामर तो सदैव पाप में ही लगे रहते हैं, उनको आप अच्छी बात बताओ सुनेंगे ही नहीं, सदैव उनको सही बात भी गलत लगती है और गलत बात सही लगती है। एक महिला अपने पति को बोलती थी, आप शराब क्यों पीते हो? बोले, तुझे क्या पता शराब पीने से मुझे क्या मिलता है, तू कभी पीकर देख। पत्नी ने भी फिर समझाना छोड़ दिया। एक दिन वो आदमी अखबार पढ़ रहा था, अखबार में शराब की बुराइयां लिखी हुई थी, शराब से कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो जोर से चिल्लाया, आज से बंद, आज से बंद, आज से बंद। पत्नी आई अंदर से दौड़ती हुई और बोली, आज से शराब पीना बंद? बोले, नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद, शराब पीना बंद नहीं। परंतु ऐसे कई लोग हैं जिनको सत्संग सुनने को मिला, नशे से सावधान नाम की पुस्तक आश्रम की पढ़ी और उनका नशा छूट गया। कोई कोई बोलते हैं कि हम नहीं पीते, कभी कभी पार्टी में किसी को कंपनी देने के लिए पी लेते हैं, तो मरेंगे तब वो दोस्त कंपनी देने आएंगे कि तुमने हमको पीने में कंपनी दी थी, हम तुमको जलने में कंपनी देते हैं, चलो साथ में मरते हैं। कोई नहीं देगा। इसलिए ऐसों की संगति न करके भक्तों की संगति करें तो अच्छा है। एक आदमी घर पर बैठा था, नशा खूब करता था,
कभी शराब, कभी भांग, कभी अफीम। पत्नी मायके गई हुई थी, कोई मेहमान आए। वो जमाना घोड़े सवारी करते थे लोग, गाड़ियां नहीं थी। तो मेहमान घोड़े पर आए, घोड़े को बाहर बांध दिया। वो घर वाला मेहमान को अंदर ले गया कि बैठो, कैसे हो, मजे में हो। अंदर बिठा कर बोले मैं अभी आता हूँ। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया, नशे नशे में। अब बाहर आकर घोड़े को तो घास दिया, पानी की बाल्टी उसके आगे रख दी, पर मेहमान को भूल गया। रात बीत गई, सुबह हुई, घोड़े को घास दिया, पानी दिया, खुद के लिए भांग घोट रहा था। इतने में एक महात्मा वहां से गुजरे। महात्मा ने कहा क्यों, एक घोड़ा बहुत बढ़िया है, कितने का है? बोले मेरा नहीं है महाराज जी, मेहमान आए थे ना उनका है। तो बोले मेहमान को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं। तब उसको याद आया कि अरे मेहमान को तो कल से मैंने अंदर ही बिठा रखा है। बोले महाराज जी रुको रुको, मैं अभी आया। दौड़ा, दरवाज़ा खोला और मेहमान से माफ़ी मांगी कि माफ़ करना, मैं तो आपको भूल ही गया था। अच्छा हुआ वो महाराज जी आ गए जो मुझे आपकी याद आ गई, माफ़ करना। पर बोले आपके घोड़े को मैंने बराबर घास खिलाया, पानी पिलाया, रात को भी, अभी भी। मेहमान बोले पर मेरे को तो भूल गया ना भाई। अब उस आदमी को कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, संसार में कई मिलेंगे। शरीर रूपी घोड़े को तो खूब खिलाते पिलाते हैं, परंतु शरीर ही को भूल जाते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं। शरीर की ईश्वर के साथ एकता है, वो भूल जाते हैं। इस घोड़े को ही खिलाने पिलाने में मस्त रहते हैं बस। पर जब संत मिलते हैं, सच्चे सद्गुरु मिलते हैं, तो बताते हैं कि भाई केवल शरीर को ही ध्यान मत दो, ईश्वर के साथ की एकता का अनुभव करो। वैदिक दीक्षा बड़ी कृपा करते हैं गुरु जो देते हैं, तो श्रेय मार्ग पर बुद्धिमान लोग चल पाते हैं। प्रेय मार्ग पर तो पूरी दुनिया चल ही रही है। प्रेय मार्ग माने मन को जो अच्छा लगे, वो खाना पीना घूमना फिरना मौज मस्ती करना, वो तो सब कर ही रहे हैं। पर श्रेय मार्ग पर, श्रेय मार्ग माने ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर, गुरु को, शास्त्र को और भगवान को जो अच्छा लगता है उस मार्ग पर, तो पुण्य आत्मा चल पाते हैं। अभागा आदमी इस रास्ते पर चल नहीं पाता। वेद में मनुष्य को अमृतस्य पुत्रा कहा गया, यजुर्वेद में, कि हर जीव ईश्वर की संतान है, परंतु भूल बैठे हैं, क्या करें। हर जीव ईश्वर की संतान है, इतना ही नहीं, फिर कहा तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ईश्वर की संतान है तो वैसे ही होकर रहे, अपने मन में कोई पाप ना आने दे, आए तो उसको भगा दे। पाप तीन प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक, एक वाचिक। मन में पाप आता है तो फिर शरीर से भी पाप होता है और वाणी से भी पाप होता है। पर अगर मन में पाप न हो तो वचन माने वाणी, वाणी और शरीर भी पाप रहित हो जाएंगे। तो मन में पाप न आए उसके लिए जरूरी है कि हमारा मन गुरु के चरण में लगे। मुझे तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वचन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आया, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा मुझे उन भक्तों की चरण धूल दे दे जिनको तेरी कृपा से सच्चे गुरु मिल गए, उनकी चरण धूल दे दे। कितनी महिमा है। मैं तो कई जगह कईयों से कहता रहता हूं कि इधर उधर की पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा पढ़ना ही है, पाठ करना है तो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करो, देखो कैसी गुरु भक्ति बढ़ती। और सिखों की गुरु भक्ति भी अद्भुत है। शादी होती है तो गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे फिरते, नया घर बनाते हैं, नया बंगला बनाते हैं, तो उनका वास्तु क्या, सिखों का वास्तु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सिर पर रखकर घर में घूम लेते हैं, तो उनका वास्तु हो गए। कितनी अच्छी बात है, ये कितना आदर है ग्रंथ साहिब के प्रति। शिष्य का आदर
अपने गुरु के प्रति ऐसा ही होना चाहिए। और कई सिख बंधु, उनकी श्रद्धा मैंने अद्भुत देखी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सत्संग था, तो एक सिख बंधु वॉशिंगटन से आए थे और उन्होंने दीक्षा ली, पत्नी और उनके बच्चे भी थे। मैंने पूछा दीक्षा के बाद, ऐसे सबसे आगे बैठे थे, आप कहाँ से आए? बोले मैं वॉशिंगटन से आया हूँ। मैंने कहा कहीं किसी काम से आए होंगे यहाँ? बोले नहीं, मेरा काम एक ही था। बोले अमेरिका में मैंने टीवी पर बापूजी का सत्संग सुना, दर्शन किए टीवी पर, तो मुझे, उनके शब्द में कह रहा हूँ, बोले मुझे ऐसा लगा मेरे गुरु नानक देव जी पधारे हैं। और बोले मैं रह न पाया, वहाँ से खास दीक्षा लेने के लिए ही मैं आया, और दीक्षा लेकर के वो गए। और पूज्य बापू जी दीक्षा देते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं कि संप्रदाय चलाना है। जिनको संप्रदाय चलाना होता है वो सबको एक मंत्र देते हैं कि यही जपो, पर पूज्य बापूजी कहते हैं सबका भला, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ जीवन जिए, सुखी जीवन जिए, सम्मानित जीवन जिए, उसके लिए बापूजी मंत्र देते हैं। और सामने वाला अपने अपने इष्ट और उसके अनुसार वो मंत्र लेता है और जप करता है। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर नीजर है, वहाँ हमारा कार्यक्रम था, तो एक पति पत्नी दोनों शिक्षक थे हाईस्कूल में, उन्होंने कहा कि हमारी शादी को 16 साल बीत गए, संतान नहीं है, हम क्या करें? ज्योतिषी कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है। मैंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र की ये मान्यता है कि एक व्यक्ति के सही भविष्य का दावा ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, तो एक ज्योतिषी कैसे कर लेता है? सुनो सुनो, ज्योतिष शास्त्र केवल व्यक्ति पर 9 ग्रहों के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के बारे में ही वर्णन कर सकता है, इससे आगे उसकी गति नहीं है। इंसान अपने भाग्य का आप विधाता है, जैसे वो कर्म और संकल्प करेगा ऐसा उसका भविष्य बनेगा। इसलिए इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, अपना हौसला बुलंद करने की जरूरत है। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे करने की जरूरत है, उनकी बातों में ना आए भला होगा। उनकी बातों में आएंगे तो दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे। बात स्वीकार करें तो एक गुरु की, बस शास्त्र की, ग्रंथ की, वो स्वीकार करें बस। तो मैंने उन पति पत्नी को कहा आप आश्रम में आना, 3-4 शिविर भरना, फिर बापूजी संतान प्राप्ति का मंत्र देंगे तो होगा, आप चिंता क्यों करते हो इतनी। ज्योतिषी ने कहा तो भले का। तो आए, समय बीता, पहली संतान उनको बेटी हुई, दूसरी संतान फिर 1-2 साल के बाद बेटा भी हुआ, 2 बच्चे मैंने देखे उनके। तो शास्त्रों में, ग्रंथों में जो महिमा गाई गई है वो हम सबको प्रेरणा देती है कि हम सभी अपना जीवन ऊर्ध्वमुखी बना। और बच्चे, खास छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को खूब संभालो, बच्चों को सत प्रेरणा दो, बच्चों को बाल संस्कार जैसी पुस्तक पढ़ने के लिए दो, तो आपके बच्चे बहुत उन्नत होंगे। जैसे बच्चे, जैसे सपूत श्री गुरु गोविंद सिंह जी के थे, ऐसे सपूत आपके। मीरा कभी छोटी बच्ची थी, शबरी भी कभी छोटी बच्ची थी, विवेकानंद कभी छोटे बच्चे थे, युधिष्ठर कभी छोटे बच्चे थे, पर उनको बचपन से माँ बाप ने अच्छे और ऊंचे संस्कार दिए तो वो इतने महान हो गए। तो अभी जो हमारे घर पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, क्या पता उनके अंदर कोई मीरा की आत्मा बैठी हो, विवेकानंद की आत्मा बैठी हो, तो उनको बचपन से संभालो, उनका मन अभी से इस रास्ते पर लगे, नहीं तो फिर बच्चे मनमुख हो जाएंगे। एक लड़का स्कूल से रोता हुआ घर आया कि माँ माँ आज मुझे स्कूल में शिक्षक ने मारा, एक थप्पड़ लगाई। बोले क्यों?
तूने जरूर कुछ मस्ती की होगी, किसी को परेशान किया होगा, तूने कुछ हरकत की होगी। बोले नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो खाली सो गया था, बस सो गया था। अब ये कम हरकत है, क्लास में सोने के लिए गया था। एक ऐसे मनमौजी लड़के ने, शिक्षक ने कहा बच्चों हर काम मिलजुल कर किया करो, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाया करो। तो वो लड़का जो मनमुख था, कभी उसको बाल संस्कार की शिक्षा मिली नहीं थी, सारस्वती मंत्र मिला नहीं होगा, तो वो खड़ा होकर कहता है कि साहब आप ही कहते हो कि हर काम मिलजुल कर करना चाहिए, पर जब परीक्षाएं होती है तो हमको दूर दूर क्यों बिठा देते हो, तब भी हमको मिलजुल कर करने दिया करो, हम सब मिलकर करें। तो ऐसा हो जाता है जब बच्चों को बचपन से सही दिशा नहीं मिलती है, वैदिक दीक्षा नहीं मिलती है, तो बच्चों को भी इस मार्ग पर प्रेरित करें ताकि बच्चे इस देश के भावी हैं, बच्चों का भावी उज्जवल हो। शहीद भगत सिंह की माँ कितनी महान थी। भगत सिंह को जब ब्रिटिशरों ने फांसी पर चढ़ाया तो माँ को पता चला, माँ रोने लगी। लोगों ने कहा माँ आपके बेटे को फांसी पर चढ़ाया इसलिए रो रही हो? बोले नहीं, मेरी आंख में आंसू तो इसलिए आए कि काश मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं उसको भी कहती कि बेटे तू भी देश की अस्मिता के लिए अपने जान की कुर्बानी दे दे, देश के लिए तू कुछ कर, राष्ट्र के लिए तू कुछ कर। तो हम लोग भी इस राष्ट्र के लिए कुछ करें। क्या करें? कि हमसे जितना हो सके अच्छाई को बढ़ाने का प्रयास करें। अच्छाई कैसे बढ़ेगी? सत्संग से बढ़ेगी। बिगाड़ जितना भी हुआ है बुरे संग से हुआ है, और सुधार जितना भी हुआ है वो सत्संग से हुआ है। राम जी को 14 साल का वनवास क्यों मिला था? 14 साल के लिए ही क्यों वन में गए? देखो वासना के रहने के 14 स्थान हैं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, स्पर्श इंद्री। कर्म इंद्रियों में जीभ, जीभ बोलने का काम करती है इसलिए कर्म इंद्री, स्वाद का ज्ञान कराती है तो ज्ञान इंद्री। जीभ, हाथ, पैर, मल मूत्र विसर्जन की, ये कर्म इंद्रियां। 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। वासना के रहने के ये 14 स्थान हैं। अगर हम सत्संग करेंगे, राम जी 14 वर्ष वन में क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। यहां तक कि युद्ध करने के लिए लंका में गए तो सुबेल पर्वत के शिखर पर भी सत्संग करते हैं, हरी चर्चा करते हैं आपस में। समझदारों का समय सत्संग में, ध्यान में, शास्त्र अध्ययन में जाता है, और मूर्खों का समय नींद करने में और झगड़े करने में जाता है, फालतू बातें सोचने में जाता है। हम लोगों का समय सार्थक हो रहा है। सारी जिंदगी दाव पे लगाकर दुनिया में जो कमाते हैं उसमें से कुछ भी साथ नहीं जाता, और गुरुद्वार पर बैठकर जो कुछ कमाई करते हैं उसमें से कुछ भी यहाँ नहीं छूटता, वो साथ जाता है। ये बड़ी कमाई हो रही है अभी। मैंने कई बार पहले भी कहा इस बात को कि राष्ट्रपति कहीं आने वाला होता है तो एयरपोर्ट से लेकर जहाँ उसका निवास है वहाँ तक मिलिट्री की व्यवस्था हो जाती है, निवास पर डॉक्टर की, दवाओं की सारी व्यवस्था हो जाती है। राष्ट्रपति आने वाले हैं, परमात्मा जिनके दिल में प्रकट होने वाला होता है ना, वहाँ ऐसी तैयारी हो जाती है कि घंटों भर श्रद्धा से बैठे रहते, शांति से बैठे ही रहते, ये उसकी तैयारी हो रही। और भगवान कृष्ण ने भागवत में अपनी प्राप्ति का उपाय सत्संग ही बताया, यथा वरुंदे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम, मेरी प्राप्ति भगवान ने कहा सत्संग के द्वारा ही होगी। एक विनोदी वार्ता है, एक जगह सत्संग हो रहा था,
आठ से दस का टाइम था, अपना नहीं कोई और महात्मा का था। एक आदमी दुकान बंद करके घर आया तो पत्नी ने कहा सत्संग सुनने जाया करो, सारा दिन पैसा पैसा करते रहते हो। बोले ठीक है कल जाऊंगा। अगले दिन वो गया तो सही, बैठा तो महाराज जी सबके लिए बोले आए हो, इतना सुना फिर सो गया। थोड़ी देर बीती, आँख खुली तो महाराज जी इतने में बोले सब बैठे हो, फिर सो गया। सत्संग पूरा हुआ तो इतना ही सुना कि जा रहे हो। घर आया, पत्नी ने कहा क्या कहा महाराज जी ने प्रवचन में, तो उसने कहा कि तूने किस महाराज के पास भेजा, सारी देर इतना ही बोलते रहे, बस आए हो बैठे हो जा रहे हो, इतना ही बोले। पत्नी बोली जरूर तुम सो गए होंगे, महाराज जी कोई पागल नहीं कि दो घंटे तक आए हो आए हो आए हो बैठे हो बैठे हो, इतना ही बोलेंगे क्या, तुमने जरूर गड़बड़ की होगी, कल ध्यान से सुनना। वो अगले दिन गया पर फिर वही हाल, तीन शब्द सुनेंगे। सोचा कि अब पत्नी पूछेगी तो जानबूझकर थोड़ा घूम फिर कर 11 बजे घर पहुंचा। पत्नी जाग रही थी, पूछा क्या कहा आज। अब इसने बात बनानी शुरू की कि अरे महाराज जी तो बहुत अच्छा बोले, सत्संग में बड़ा आनंद आया, बहुत खुशी हुई। बोले अच्छा क्या कहा बताओगे सही कुछ। बोले हाँ हाँ बताता हूँ बैठ बैठ। हुआ क्या कि इतने में इस आदमी के घर पीछे से चोरों ने सेंध लगाई, चोर आए। अब ये पत्नी को कह रहा है कि महाराज जी बोले सुन, अब जोर से बोला आए हो, तो चोरों को लगा कि इस आदमी ने हमको अंदर आते हुए देख लिया, डर के मारे चोर नीचे बैठ गए। पत्नी बोली कि और क्या बोले महाराज। बोले बोले महाराज जी बैठे हो, तो चोरों को हुआ कि इस आदमी ने हमको बैठते हुए भी देख लिया, अब यहां से भागने में ही भला है। पत्नी ने पूछा और क्या बोले महाराज। बोले महाराज जी बोले जा रहे हो, चोरों को हुआ कि ये आदमी अंतर्यामी भी लगता है, हम तो जाने की सोच रहे थे और इसको पता भी चल गया। अब तो चोर भागे 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 शोर हुआ, इन्होंने देखा तो सारी बात पता चली। तब इस आदमी को हुआ कि भाई खाली मैंने झोंका खाते खाते कुछ शब्द सुने तो मेरा घर लूटने से बच गया, काश मैं पूरी बात प्यार से और श्रद्धा से सुनता तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद आता, मेरी कितनी उन्नति होती। ताली नहीं ताली नहीं, ताली बजाने में जरा ब्रेक लगा दिया करो। भक्तों की भीड़ तो इतनी हो गई, कहीं भी बापूजी का सत्संग होता है समिति वाले कितना ही बड़ा पंडाल क्यों न लगाएं, पर भक्तों की भीड़ इतनी हो जाती है, संगत इतनी बढ़ जाती है कि बड़ा विशाल पंडाल भी छोटा पड़ जाता है। भक्त भी मानो ठान कर बैठे होते हैं कि समिति वालों तुम चाहे कितना बड़ा पंडाल बनाओ, पर हमारी भावना भी गुरु जी के लिए इतनी है कि तुम्हारे बड़े पंडाल को भी हम छोटा कर देंगे, तो छोटा कर दिया। देखो दूर तक बैठे, दूर तक, अभी तो कल भक्तों की भीड़ और उमड़ेगी। आगे आगे बैठे हैं वो तो फायदे में है कि निकट से बापू जी के दर्शन हो जाते हैं, जो दूर तक बैठे हैं उनसे पूछो। पर दूर तक जो बैठे हैं मैं उनसे भी कहूँगा, भले आप बाहर से दूर बैठे हो पर दिल से तो आप भी बापू जी के पास हो, तभी आश्रम में आ पाए, नहीं तो आ नहीं पाते थे। दिल से तो आप भी नज़दीक हैं, बहुत नज़दीक हैं। जिन प्यारों पर ऐ जग वालों हो खास इनायत सदगुरु की, उनको ही संदेशा आता है और वो ही बुलाए जाते हैं। तो 14 साल तक लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ सतत जागते रहे, सोए नहीं। इसका अर्थ हम भी अपने जीवन में जागृति रखें, सोए नहीं। 14 साल जागना मतलब हमारे जो ये 14 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण, हम इनसे जागृत रहें कि हमारी आँख से पाप न हो, कानों से पाप न हो, निंदा सुनने का, किसी की निंदा सुनना पाप है, जीभ से पाप न हो निंदा करने का, मन से पाप न हो, बुद्धि से पाप न हो, अहंकार न किया जाए,
तो जागृत रहे। वैराग्य जागृत रहेगा तभी भक्ति रूपी सीता की रक्षा होगी। भगवान राम जब खर दूषण और त्रिशिरा 14,000 सैनिकों को लेकर मारने के लिए आए, तब लक्ष्मण जी को कहा, तुम सीता जी का ख्याल करना, मैं उन सब से अकेला निपट लूँगा। कितनी सुंदर बात है, राम जी मानो हम सबको कह रहे हैं कि खर माने दुष्ट स्वभाव, दूषण माने दोष देखने की वृत्ति, त्रिशिरा माने काम क्रोध और लोभ, इन सब पर विजय पानी हो तो एक और एक भगवान का नाम ही काफ़ी है। जैसे राम जी कहते हैं, मैं अकेले उनसे निपट लूँगा, केवल एक नाम गुरु से मिलता है तो ये सब अपने आप नष्ट होते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, सेवक, तुलसीदास जी कहते हैं, सेवक नाम प्रीति सहित सुमिरन करे। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, सेवक सुमिरत सुप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। बिना मेहनत के मोह रूपी रावण की सेना को साधक जीत लेता। मोह रूपी रावण की सेना है काम क्रोध लोभ ईर्ष्या चिंता आदि। जो दीक्षा लेते हैं और जप करते हैं उनके जीवन में फिर ये नहीं रहते। पति पत्नी का ग्रस्त जीवन भी बड़ा सुखद और सुंदर हो जाता है, उनके बीच समन्वय और सामंजस्य हो जाता है, वैमनस्य नहीं रहता, वैर नहीं रहता, सामंजस्य। ऐसे भी कई सदग्रस्तों ने बताया कि हमारे घर में कैसे सामंजस्य हो गए। पहले जहाँ वैर रहता था, ईर्ष्या और द्वेष था, वहाँ प्रेम है घर में, कोई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं। एक कन्या महाराष्ट्र में पूना शहर है वहाँ की रहने वाली, उसने दीक्षा ली पर माँ और बाप चाचा चाची विरोध करते थे और बोलते थे कि ये कोई उम्र थोड़ी है भक्ति करने की। अब बोलो, ये उम्र नहीं तो कौन सी उम्र है? आपके घर पर कोई मेहमान आए, आप जरा सोचना, मेहमान आए तो आप उनको ताजे फल अर्पण करोगे कि सड़े हुए बासी फल अर्पण करोगे, या बिगड़ गया थोड़ा वो आम दोगे कि ले बढ़ तू घर कृष्ण अर्पण? ऐसा थोड़ी करेंगे, ताजे फल देंगे ना। ऐसे ही भगवान को भजना हो तो अगर बच्चे कर रहे हैं, बेटा बेटी कर रहे हैं, तो उनको करने देना चाहिए। अच्छा है जवानी में उनकी भोगों में रुचि ना होकर भक्ति में रुचि है तो करने दें। मिठाई बांटो के आपका बेटा बेटी युवावस्था में भक्ति करते हैं पर उस बच्ची का विरोध करने लगे। पर वो भी कन्या बड़ी मजबूत थी, डरती नहीं थी, वो बोलती थी मैं कोई गलत काम करूं तो डरूं, मैं तो सही काम कर रही हूं। पर माँ बाप को लग रहा था कि नहीं ये कोई उम्र नहीं है, अभी नहीं करो। भगवत गीता के 18वें अध्याय में लिखा है, भगवान कहते हैं जिनकी तामसी बुद्धि होती है उनको सही बात गलत लगती और गलत बात सही लगती। जैसे आजकल चल रहा है पशुओं की हत्या को मांस का उत्पादन कहा जाता है, गर्भपात जैसे महापाप को परिवार नियोजन कहा जाता है, धर्म विरुद्ध को धर्म निरपेक्ष कहा जाता है। ये तामसी बुद्धि का परिचय है, समझ लो उनकी बुद्धि तामसी है, सही को गलत कह रहे हैं और गलत को सही कह रहे हैं। बुद्धि सा पार्थ तामसी। माँ बाप ने विरोध किया पर बेटी डटी रही। उसने चिट्ठी तो बहुत लंबी लिख कर दी थी मुझे, बोले समय बीता, मैं जप ध्यान करके शुभ संकल्प करती थी कि इनको भी सद्बुद्धि दो बापू,
और समय ऐसा आया कि पिताजी भी भक्त हो गए, माँ भी हो गई, चाचा चाची भी हो गए, और जिस घर में मेरा विरोध करते थे, बापूजी की तस्वीर पूजा के स्थान पर मुझे नहीं रखने देते थे, अब उसी घर में हर कमरे में बापूजी की तस्वीरें हैं और घर में बाल संस्कार केंद्र चलता है। हमारी चार दुकानें हैं, चार में से एक दुकान पर साहित्य स्टॉल भी चलता है। एक बच्ची ने पूरे घर का वातावरण बदल दिया ना। तो जो जागृत रहता है वो भक्ति रूपी सीता की रक्षा करने में सफल होता है। पर फिर देखो, लक्ष्मण जी मूर्छित भी हो गए थे मेघनाथ का शक्ति बाण लगने से। कभी कभी हमारा वैराग्य रूपी लक्ष्मण अगर मूर्छित हो जाए, माने फिर सत्संग साधना मंत्र जप गीता पाठ ये छूट जाए, तो फिर भी सावधान। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, मेघनाथ उनको उठाकर ले जाने के लिए आया तो उससे उठे ही नहीं। हनुमान जी आए, हनुमान जी को देखकर मेघनाथ भाग गया। हनुमान जी ने लक्ष्मण को एक फूल की तरह उठा लिया और राम जी की गोद में रख दिया। फिर बूटी भी ले आए और लक्ष्मण जी सचेत हुए, फिर मेघनाथ को मार डाला। माने जीवन में कभी कुछ समय के लिए हमारी साधना छूट जाए, मंत्र जब छूट जाए, पाठ छूट जाए, तो मेहरबानी करके मेघनाथ जैसी वृत्ति वाले लोगों की संगति मत करना। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान तू मुझे नरक में भेज दे, मैं राजी रहूंगा, पर दुष्ट जनों का संग मत देना, क्योंकि नरक में रहूंगा तो पाप कटेंगे, दुष्ट जनों के संग से तो पाप बढ़ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी मेघनाथ से उठते नहीं हैं, हनुमान जी उनको उठा लेते हैं। इसका संकेत यह है कि अपने जीवन में हनुमान जी जैसी सोच जिनकी हो उनकी संगति तो करना, पर मेघनाथ जैसी वृत्ति जिनकी हो उनकी संगति मत करना। तो जीवन में जागृति आएगी और विकार रूपी मेघनाथ मारा जाएगा, वैराग्य रूपी लक्ष्मण की जीत होगी। अपने जीवन में संयम रूपी हनुमान की संगति करें, सच्चरित्र रूपी हनुमान की संगति करें, और वो गुरु की वैदिक दीक्षा से संभव है। वैद्य की दीक्षा मदीय व्रत धारणम, व्रत ले लें कि रोज जप करेंगे, रोज एक लोटा पानी भर के सूर्य को अर्घ देंगे, रोज नहाकर सुबह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करेंगे। एक परिवार के लोग आए, बोले हमारी बेटी बंबई से आए थे अहमदाबाद में, बोले हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, हम बड़े परेशान हैं, क्या करें, बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा एक काम करो, बड़े दादा की परिक्रमा करो, जहाँ गुरु जी ने शक्तिपात किया है, थोड़ी मिट्टी ले जाना, उसमें कुमकुम मिलाकर बेटी को कहना रोज नहाकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे, और बोले कि मेरा भाग्य चमकेगा, जरूर मेरा भाग्योदय होगा। उस कन्या ने वैसा किया और कितने 3 के 4 महीनों में उसका ऐसा अच्छे घर में रिश्ता हो गया कि लड़की के माँ बाप बोले हम सोच भी नहीं सकते थे। इस साल फरवरी के महीने में उसकी शादी भी हो गई और वो ससुराल में बहुत सुखी है। तो इतने सारे भक्त हैं, कईयों की इच्छा होती है कि हमारी बापूजी से बात हो जाए जरा, कईयों की, यहाँ भी अभी जो बैठे हैं कईयों की इच्छा होगी, पर इतनी भीड़ में संभव नहीं है कि सबकी बात हो पाए। गुरुदेव ने कृपा करके इसीलिए कई आश्रमों में पीपल के वृक्ष में, वट वृक्ष में शक्तिपात कर रखा है, ताकि वहाँ पर लोग परिक्रमा करके प्रार्थना कर दें और उनके मनोरथ पूर्ण हो। यहाँ लोग कुटीर की परिक्रमा करते हैं। तो ये गुरुजी ने कृपा कर रखी है, ऐसा नहीं सोचना कि कभी बापूजी कृपा करेंगे और हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, ना ना, कृपा की प्रतीक्षा मत करना, कृपा को एक सीमा में मत बांधना और कृपा का भोग भी मत करना। अनुकूलता में कृपा को देखना, ये कृपा का भोग करना। केवल सुख संपत्ति में कृपा को देखना, ये कृपा को एक सीमा में बांधना। कृपा की प्रतीक्षा करना कि बाद में कृपा होगी तो हम सुखी होंगे, ये भी ठीक नहीं। ये उनकी कृपा ही है कि हम सत्संग में आ पाए हैं। बस कृपा को देखना सीखें, फिर देखो क्या होता है।
यह लोक सुखी पर लोक सुखी। अभी भी कुछ मिनटों के लिए शांत होकर हम प्रभु के चरणों में, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करें कि हमें ऐसी सन्मति मिले कि हम सुख दुख को स्वप्ना समझकर और आपको भगवान को अपना समझकर भक्ति के मार्ग में दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करें। पामर हम नहीं हैं, विषयी हम नहीं हैं, हम तो साधक हैं, हम तो भक्त हैं। स्वीकार कर लें बस। स्वीकार की हुई बात को कभी भूल नहीं सकते, सीखी हुई बात को भूल सकते हैं। स्वीकार कर लेंगे, हम तो भक्त हैं, हम तो साधक हैं, हम तो सिख हैं। गुरु की सीख मान ले वो सिख है।